यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से है, जहां मुठभेड़ में आज सिपाही के हत्यारे मोती धीमर को पुलिस ने मार गिराया। बता दें कि विगत 9 फरवरी को कासगंज के बिकरू कांड पार्ट 2 का मुख्य आरोपी 1 लाख के नामी बदमाश मोती धीमर को आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। गौरतलब है कि कासगंज में तैनात दरोगा अशोक पाल अपने हमरा सिपाही देवेंद्र के साथ शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए 9 फरवरी को गए थे, जहां दुर्दांत अपराधी मोती धीमर के शराब के अड्डे पर जब छापेमारी की गई। इस दौरान मोती धीमर पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, उनसे मारपीट की थी। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मोती ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवा कर नंगा करके पीटा था। पुलिसकर्मियों पर बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें लाठी और लोहे के भाले के प्रहार से घायल कर दिया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काम्बिंग के दौरान लहूलुहान हालत में मिले दरोगा अशोक पाल और सिपाही दिवेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया था, लेकिन उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल सिपाही देवेंद्र ने दम तोड़ दिया था और दरोगा अशोक पाल की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका उपचार अलीगढ़ में चल रहा है। घटना के बाद एसटीएफ की 5 टीमों समेत पुलिस और एसओजी की कुल 12 टीमें गठित की गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी एससी अवस्थी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे। घटना के 12 दिन बाद पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को पहले ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और उसके मौसेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी की मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना के 8 दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अन्य आरोपियों को भी अब तक जेल भेज दिया है। आज हुई इस घटना में मुख्य आरोपी मोती धीमर भी मारा गया। एक मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी मोती जो कि घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल रवाना किया गया, चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके द्वारा दिनांक 9 तारीख को हमारे सब इंस्पेक्टर अशोक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिनका आज भी अलीगढ़ में इलाज चल रहा है, तथा एक सिपाही देवेंद्र जो कि शहीद हो गए थे, आज ये पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयास करके ये कार्रवाई की गई है। हम कौन सी टीमें इसमें लगी हुई थी? इसमें हमारी टीमें सीओ पटियाली के नेतृत्व में तथा साथ ही साथ सिकंदरपुर बैस से थानाध्यक्ष और थानाध्यक्ष गंज डुंडवारा रिपु दमन व एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। पिस्टल भी बरामद हुई है सर? सरकारी पिस्टल जो कि मुख्य आरोपी मोती सिंह द्वारा सब इंस्पेक्टर से छीनी गई थी, उसकी भी रिकवरी कर ली गई है। कासगंज से विवेक राय के साथ ग्लोबल भारत न्यूज डेस्क।